आपको पता है शिल्पा की फिल्मों की तरह शिल्पा की जो योगा की डीवीडीज हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देख के उनमें अवेयरनेस आती है फिटनेस के लिए। ये हमारा जो है ना ड्रम वाला पांडे जो पीछे बैठा हुआ है जी, आपकी डीवीडी इसने भी लेके रखी है। कहता है मैं 3 साल से देख रहा हूँ, मेरा वजन नहीं कम हो रहा। मैंने कहा करना भी पड़ता है, रजाई में बैठ के देखेगा तो कैसे कम होगा। शिल्पा मेरे को बताओ, मैं अगर 2 हफ्ते में 8 इंच कम करना हो तो कैसे करूं? मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। मैं वही बात कर रही थी पीछे, सिद्धू जी घटाते जा रहे हो और पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है लॉस्ट एंड फाउंड हो रहा है इधर। मेरा तेरी तरफ जा रहा है गुरु सवारी अपना सामान। आई विल इंट्रोड्यूस बिफोर माय सेकंड फिल्म। तूने बड़ा म्यूजिक दिया पीछे, अपनी टोन देख पहले, अपना पेट तो ड्रम पे रखा हुआ है, कभी कभी तो जल्दी उसी में मार देता है। बट आई हैव टू से कि पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि फॉर व्हाट नहीं, आप में इतनी पावर है कि आप जो भी बोलते हो या यहाँ पे शो पे जो जिसको भी मौका मिलता है आने का, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट। और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था ग्रेट इंडियन डाइट के लिए एंड मैंने यहाँ पे प्रमोट किया और आई हैव टू गिव यू थोड़ा सा श्रेय, इनको भी जाता है बिकॉज सून एज आई फिनिश सडनली द बुक सेल स्पाइक्ड एंड वी बिकेम अ बेस्ट सेलर। शिल्पा आप मेरे को बताओ, जैसे 2 हफ्ते में 8 इंच कम करना मुश्किल है? हाँ, unless 8 हफ्ते में 2 इंच, हाँ वो आसान है, बहुत आसान है। उसके लिए कोई आसन बता दो ऐसे ही। आसन यार ऐसा होना चाहिए बाजी वर्कआउट के लिए भी ना, कोई आदमी होना चाहिए कि जा तू करे मेरे हिस्से का। चलो तो एक आसन कर ही लेते हैं फिर। हाँ प्लीज ऐसे हाँ? ही बता दो। योगा कभी किया है पहले? योगा हाँ। हाँ बहुत ही आसान, आज हम करेंगे वृक्षासन एंड इट बेसिकली हेल्प्स यू बैलेंस योर माइंड बॉडी सोल। वृक्षासन? हाँ जी। कौन सा पेड़ बनना है? कोई भी बनो, बस गर्मी के सीजन आम का बनते हैं। हाँ बहुत ही आसान है। ओके चलो जल्दी। एक मिनट, मेरा फंस गया था अंदर। बैलेंस बैलेंस। 2 सेकंड। बैलेंस। 5 सेकंड के लिए बस। नहीं नहीं नहीं। But with like this, हाँ। 2 मिनट में दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर अब। Sorry, I'm a loser. Okay. अच्छा अच्छा, सिंपल सा करते हैं, सिंपल वाला। हाँ, इन्वर्टेड नमस्ते। मैं पीठ पीछे किसी को नमस्ते नहीं करता। मेरा Oh my God! पाजी आप करके दिखाओ। क्यों करूं मैं? करो सही तो। मुझे कहा नहीं है सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार। कपिल अभी कुछ तो मुझे कराना पड़ेगा। You have to do something। वृक्षासन ठीक था, ये नमस्ते तो बहुत खतरनाक है। ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा चलो। 2 मिनट देख लिया कर, जो अगर टिक जाए उसके बाद म्यूजिक देना। अभी तो मेरा ही नहीं बैलेंस बन रहा था। एक मिनट। इसका बहुत आसान तरीका है। एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, उस लाइट की तरफ देखिए। लाइट की नहीं, वो गर्ल लड़की की तरफ देखिए। चलिए लड़की नहीं है, लेकिन फिर वहीं पे टिकी रहनी चाहिए आपकी नजर। ओ मेरी टिकी रहेगी वो। ओ सिद्धू पाजी के पीछे जो बैठी हुई है, बैलेंस भी बन गया देख फट करके। बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा, देख हिल नहीं रहा बिल्कुल ही। अब क्या करना है? नमस्ते। क्या बात है, तो इसको कितनी देर करना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड करना। पूरे लड़की से आंख उठाई, ठक करके नीचे आया पे। तो एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। हाँ बस। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम आपको पहना दें? नहीं। अरे क्या बात है पाजी। जब कोई एक बड़ी खूबसूरत लड़की आपके पास बैठी हो तो और कोई आदमी आ जाए तो बड़ा खलता है। सही बात। लेकिन जब कोई दूसरा आने वाला भी इतना ही खूबसूरत हो तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। सो प्लीज वेलकम शमिता शेट्टी। बैठिए। वाह, आज तो फ्रूट लग रहा है हमारे। लाल पीले फ्रूट गर्मियों में। आपको दोनों देखे ना, अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी। ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी। देखो पाजी, कहते हैं ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। एक ही घर में इतनी खूबसूरती, दो बहने दोनों ही खूबसूरत। एक हमारे जैसे दिनेश, 8 भाई हैं और ये ठीक निकला, बाकी आप देख लो। तो शमिता मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती होंगी या स्कूल में, हाँ। तो मतलब तो लड़के तो काफी आगे पीछे मंडराते होंगे आपको देख के।
आपने डैडी को देखा है? मेरे डैडी को देखा है? जेंट्स में को मैं ज्यादा दिखता नहीं। अरे शिल्पा वैसे इतनी स्वीट है, मुझे लगता है कभी किसी को डांटा होगा इसने आज तक। नहीं पर इनकी देखो यार एज डिफरेंस को भी जैसे ले लो, 5 साल से कम होना तो लड़ाई बड़ी झगड़ी होती है। तो मैं ये पूछना जब आपने कभी अच्छा ऐसे होता है पाजी जब कोई ना मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है तो दूसरा बच्चा घर में आता है तो बच्चे को बड़ी जलसी होती है क्योंकि उसको तो इतनी सांस। आपको हुई थी कभी जब शबिता पैदा हुई थी तो? ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता? आप तो छोटी सी थी। क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है। मम्मी से सुना है। अच्छा अपेरेंटली मैं घर की लाडली थी और जब शमिता आई घर में तो सडनली, और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी। किशनी थी मतलब हूँ। और शमिता आ गई गोरी चिट्टी क्यूट सी बेबी एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड। तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को, तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। माइक लीजिए। हेलो जी, मेरा नाम है, मेरा नाम ठरकी सिंह है। हाँ जी ठरकी सिंह, मैं जलंधर तो आया, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर। मैं थोड़ा नहीं है ना था इनका। हाँ जी मैं ना इन्हें बुक पढ़ी है द ग्रेट इंडियन डाइट। हाँ जी आप हिंदी में बोलेंगे ये? ओ नहीं, ओ ग्रेट इंडियन डाइट तुझे समझ आ नहीं यार, पागल हो गए तू? जी जी इज आर यू। ओ डाइट में पढ़िया, ओदे च मिस्टेक है, ओदे च कोई तेल ही नहीं है, पर मैं खा लिया फिर भी मजा आया। अच्छा हुन मैं एक्चुअली तोडे नाल एक सेल्फी ले लूं। कुंद्रा साहब ओ नहीं, ओ मैं सेल्फी लेनी है तोडे नाल। हां जी देख लो पाजी, ग्रेट इंडियन डाइट बीवी पहचान नहीं पाई, देख लो एक्टर ये खुद है और पति कितने बड़े एक्टर। आई रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया इनको। नहीं मुझे लगा कि कुछ तो इधर गड़बड़ है। व्हाट इज दिस कुकी? व्हाट इज दिस? इज इट ग्रेट इंडियन डाइट? कपिल अरे मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों की मिली भगत। मेरी कोई मिली भगत नहीं है, इन्हीं का आइडिया था। नहीं उनसे पूछ लो, मक्खन वाले परौंठे। इन्होंने पूछा, इन्होंने मेरे को फोन किया, कहते मेरी बीवी आपके शो पे आ रही। मैं कहा हाँ जी। कहते यार मैं भी मिलने आता हूँ, कभी मिल ही नहीं पाते हम लोग, मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ, ये फ्लाइटों में रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बड़ी बड़ी एंट्रियां हुई हैं यहाँ पे, ये सबसे ग्रैंड एंट्री। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर राज कुंद्रा के लिए। आपने सच्ची में नहीं पहचाना था शिल्पा? यार क्या हुआ, व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही सेड ठरकी सिंह ना, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मुझे लगा यू गॉट समबडी हु लुक्ड अ बिट लाइक राज, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती ना, अरे यार तुम मेरे पति जैसे लगते हो। देख लो पाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं ये, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग करने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो सीरियसली? मतलब ये गलत फहमी है, ही रियली वो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं बता नहीं सकती, ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा वो निकलते हैं 9:30 को वियान को स्कूल छोड़ के, सीधे जाते हैं ऑफिस एंड ही कम्स होम, समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो 9:30-10। पाजी का इंटरव्यू भी देखा था, कहते मैं 20-20 घंटे ऑफिस में कभी कभी रहता हूँ, सिर्फ शॉवर लेने घर जाता हूँ। तो इसका मतलब हम क्या समझे, आपको बीवी की याद नहीं आती, शॉवर की याद आती है आपको? शॉवर ही लूंगा, बीवी पास नहीं आएगी। पाजी एक बात बताओ, जैसे अपनी शादी में होता है तो पंजाबी आदमी आप सालियां जूते चुराती हैं, शमिंदा ने चुराए थे? चुराए थे। कितने पैसे मिले थे आपको? अरे 50 लाख से ऑफर शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी 50 लाख मांगे थे। जूते कितने के थे? 5,000 दिया था। आप पंजाबी, शिल्पा साउथ से हैं, आपकी शादी में खाना जो बना था वो क्या था, मतलब कैसा खाना बना था उसमें? परौंठे भी मिले थे, डोसा भी मिला था, डोसा भी था, डोसा भी था। तो अपने अपने पंजाबी लोग तो फैल जाते हैं शादी में भाजी, अपना कोई ऐसा मेहमान इनके साइड के सारे फैल गए थे।
Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates